बाबा याद कर, भूलते कैसे ऐसे स्टेज पर ही आए बाबा अभी? याद तो भूलते नहीं, ऐसे समस्या होती है ना, ऐसे होता है ना, ऐसा स्थिति अभी कोई का आया। स्टूडेंट, बाबा, हैज एनीवन रीच्ड सच स्टेज दैट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम टू फॉरगेट द रिमेम्ब्रेंस? इनकी स्थिति आई होगी, वो 24 घंटे ईश्वरीय सेवा करना चाहते होंगे। बाबा, दोज हु वुड हैव रीच्ड सच स्टेज विल विश टू डू ईश्वरीय सर्विस फॉर 24 आवर्स। वो चाहते होंगे ये नींद भी खत्म हो जाए जो थोड़ी बहुत रह गई। दे विल विश दैट देयर स्लीप व्हिच इज लेफ्ट टू सम एक्सटेंट आल्सो गेट्स ओवर। अभी वर्तमान समय में कोई का ऐसा स्टेज आया? स्टूडेंट, हैज एनीवन रीच्ड सच स्टेज एट प्रेजेंट? जिनकी आई होगी उनके लिए बताया कि जिनकी ऐसी स्टेज आई होगी वो 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे। दोज हु वुड हैव रीच्ड सच स्टेज इट वाज सेड फॉर देम दोज हु वुड हैव रीच्ड सच स्टेज will stay engaged only in the ईश्वरीय service for 24 hours. उनको जो ईश्वरीय सेवा के सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। They won't think of anything else other than the ईश्वरीय service. दूसरे कहेंगे हमारे पास कोई सेवा ही नहीं है। Others will say we don't have any service at all. सेवा किसकी करें? Whose service should we do? और वो कहेंगे? And they will say हमारे पास टाइम ही नहीं है फालतू बातों में जाने का। वी जस्ट डोंट हैव टाइम टू गो इन वेस्ट टॉक्स। वो जिसकी सेवा करता है उसको उसकी याद जरूर आती है। द वन हु सर्विस समवन डज ही सर्टेनली रिमेंबर्स मी। प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति किसी को कोई काम दे दे कि ये काम करो तो काम करने वाले को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति की याद आएगी या नहीं आएगी? इफ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट गिव्स समवन सम वर्क सेइंग डू दिस वर्क विल द वन हु डज हिज वर्क रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और नॉट? आई ही विल। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहते हैं आसुरी सेवा में नहीं ईश्वरीय सेवा में उन बच्चों को बाप याद करता है। इन द सेम वे द चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन द ईश्वरीय सर्विस नॉट इन द डिमोनिक सर्विस बट इन द ईश्वरीय सर्विस द फादर रिमेंबर्स दोस चिल्ड्रन। उनके लिए अभिवाणी में बोला है तुम बच्चे मेरे बगैर रह नहीं सकते और मैं तुम बच्चों के बगैर रह नहीं सकता। For them it is said in the Avyaktavani, you children can't live without me and I can't live without you children.